लोग सोच रहे होंगे कि हम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि हम आपको लेकर जा रहे हैं हैम्बर्ग पोर्ट पर हसनैन के साथ, और आगे जाके देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है। लेफ्ट पर आप देख सकते हैं ये अभी क्योंकि कोरोना चल रहा है और मंडे से यहाँ पे लॉकडाउन का कह दिया है, तो कोई भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। हसनैन उसमें जा सकते हैं, लोग जा रहे हैं उसमें, फायर कार्टे के साथ चलती है ना ये, लेकिन अभी कोरोना है, बंद है, खुली भी तो है ये। कोशिश हमारी ये है कि हम कोई शिप का टिकट ख़रीदें और शिप में बैठें और आपको दिखाएं आगे, मगर ये है कि सब बंद ही है, सिर्फ ये एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, और तो फिलहाल सब बंद ही दिखाई दे रहा है। आगे जाते हैं उधर देखते हैं, हो सकता है कुछ खुला हुआ हो। ये देखो ये खुला हुआ है, इधर से खुला हुआ है भाई, खुला हुआ है ना, खुला हुआ है, खुला हुआ है। कोरोना की वजह से कोई ख़ास शिप्स चल नहीं रही हैं, तो हम इंतज़ार में, उसने बोला 10-15 मिनट रुको, हो सकता है आखिरी जो आज चल रही है वो आ जाए, तो मैंने सोचा जब तक मैं आपको, ये पोर्ट उस तरफ है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, और वहाँ पे सारे कंटेनर्स हैं, बड़ी बड़ी शिप्स हैं, और आज मौसम बड़ा ख़राब है तो इस वजह से दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा होगा, और थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लकीरी ये एक शिप मिल गई है, इसमें बैठते हैं और फिर दिखाते हैं एक स्टॉप तक जाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे कौन सा स्टेशन आता है, क्योंकि मैं खुद पहली बार बैठ रहा हूँ इस ट्रेन में, शिप में। चलने में अभी टाइम है थोड़ा सा, जैसी चलती है तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये नीचे का हिस्सा, बारिश हो रही है तो ज़्यादातर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नीचे बहुत ज़्यादा रश था तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर से दिखाता हूँ, इजी होगा, लोगों को भी बॉदर नहीं करेगा, और ये है कि व्यू क्लियर होगा, क्योंकि नीचे ग्लासेस लगे हुए हैं, ऊपर ज़रा ओपन एरिया है। तो अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वो हैम्बर्ग पोर्ट है, और इसको हाफन हैम्बर्ग भी कहते हैं। ये जो पोर्ट है ये 7 मई 1189 में फाउंड हुआ था बाय फ्रेडरिक, और इसका जो एनुअल रेवेन्यू है वो 1.2 बिलियन यूरोज़ है। इसके जो मेन ट्रेड्स हैं वो बेसिक फार्मास्यूटिकल आइटम्स हैं, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, कारपेट्स हैं और पेपर हैं। ये पूरे वर्ल्ड में 15th लार्जेस्ट पोर्ट है, और पूरे यूरोप का ये 3rd लार्जेस्ट पोर्ट है। अच्छा, इस शिप में जो मैं बैठा हूँ इसकी एक ख़ास बात यह है कि अगर आप हैम्बर्ग में रह रहे हैं और आपके पास नॉर्मल ट्रेवलिंग पास है बस का और ट्रेन का, तो आप उसी पास को लेकर आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पास नहीं लेना। मैं बॉन में भी रहा हूँ, मैंने और सिटीज़ की भी बारे में पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, मगर ये हैम्बर्ग ही ऐसी एक जगह है जहाँ पर आप शिप में भी ट्रैवल कर सकते हैं ऑन योर ट्रेन एंड बस पास। राइट हैंड साइड पर आपको दिख रहा है ये सारा कमर्शियल एरिया है, ऑफिसेज हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी है, कमर्शियल एरिया भी है। कि आपको सामने नजर आ रहा होगा इस स्टॉप का नाम है अल्टोना फिश मार्ट, मार्ट का मतलब है मार्केट। ये हैम्बर्ग की सबसे बड़ी फ्रेश फिश मार्केट कहलाई जाती है, जो कि अल्टोना में है, और ये अर्ली 18th सेंचुरी में फाउंड हुई थी। सामने जो बिल्डिंग है उसके अंदर ये मार्केट लगती है, मगर अभी कोरोना है तो ये सब बंद है। सामने आपको देख रहा है ये सारी बिल्डिंग्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम अभी अभी इससे उतरे हैं पोर्ट से, सामने ये लिफ्टर्स हैं, पोर्ट है हैम्बर्ग, ये क्रूज़ आपको दिख रही है, उसके पीछे एक और क्रूज़ खड़ी हुई है, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है,
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।